नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेंद्र जाल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सपने में पुराना मकान देखना, यानी ओल्ड हाउस ड्रीम मीनिंग इन हिंदी। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग सपने में पुराना मकान देखते हैं, और या तो सपने में पुराना मकान देखते हैं, या पुराने मकान की छत देखते हैं, या बालकनी देखते हैं, पुराने मकान की कोई दीवार देखते हैं, कोई कमरा देखते हैं, पुराने मकान को अंदर से बाहर से अलग अलग जो सीन होते हैं या दृश्य होते हैं वो सपने में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज हमने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में सपने में पुराना मकान देखना या उससे संबंधित जितनी भी सिचुएशंस हो सकती हैं उनको हम आपको उनका इंटरप्रिटेशन आपको बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सपने में पुराना मकान देखने के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव होते हैं। कुछ सिचुएशंस में यदि आप सपने में पुराना मकान देखते हैं तो वो शुभ हो सकता है, और कुछ परिस्थिति में अशुभ हो सकता है। यदि आप सपने में नॉर्मली एक पुराना मकान देखते हैं, आपने केवल पुराना मकान देखा है, आपको सपने में दिख रहा है कि पुराना सा कोई मकान है, कोई खंडर है, कोई हवेली है, और आप सपने में देख रहे हैं, तो इसका जो नॉर्मल जो अर्थ है वो शुभ माना जाता है। यानी माना जाता है कि ये एक अच्छा सपना है। सपने में पुराने मकान को देखना, सपने में पुराना मकान देखना प्रगति का, उन्नति का, प्रोग्रेस का प्रतीक है। आप आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, और आप सामाजिक रूप से भी आप संपन्न हो सकते हैं, सुदृढ़ हो सकते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सपने में पुराना मकान या उससे संबंधित जो एक्टिविटीज हैं या सीन है, दृश्य है, उनको देखना अशुभ माना जाता है। तो आइए विस्तार से इस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप देखते हैं कि सपने में कोई पुराना मकान है और वो गिर रहा है, आप गिरते हुए देखते हैं, अचानक से उस मकान की जो छत थी वो गिर गई या दीवार गिर गई, तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि आप आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से आपको निकट भविष्य में कोई समस्या आ सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, तो ये सपना तो अच्छा नहीं माना जाता है, सपने में पुराना मकान गिरना या पुराने मकान की दीवार का गिरना। वहीं दूसरी ओर आप सपना देखते हैं कि आपने सपना देखा है कि सपने में कोई पुराना मकान है और आप उस मकान के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, आप उस मकान के अंदर जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। देखिए दोस्तों, वास्तविक जीवन में भी गृह प्रवेश करना अच्छा माना जाता है, सपने के अंदर यदि आप पुराने मकान में प्रवेश करते हैं तो ये एक अच्छा सपना है। ये आपको आर्थिक रूप से उन्नति की ओर इशारा करता है, ये बताता है कि निकट भविष्य में कोई आपका नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने वाली है निकट भविष्य में। अगर आप सपने में देखते हैं कि आपका कोई पुराना घर है और उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसमें मिस्त्री लगे हुए हैं और किसी भी तरह का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो ये भी अच्छा सपना होता है। माना जाता है कि आपको किसी भी क्षेत्र में और किसी भी चीज में आपको कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है, कोई आपको अचीवमेंट मिल सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी कुछ अचीवमेंट मिल सकती है, और यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है, बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। दोस्तों अगली सिचुएशन होती है कि आपने देखा है कि आप कोई पुराना घर है और पुराने घर के अंदर आप खो गए हैं, यानी आप रास्ता भूल गए हैं, पुराने घर के अंदर चले गए, कोई खंडर है, बहुत बड़ा मकान है, और कोई खंडर टाइप का कोई बहुत बड़ा मकान है, और आप उस घर के अंदर खो गए हैं, आपको रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वास्तविक जीवन में आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है कि आपको जैसे दो रास्ते हैं कि मैं ये वाला काम करूं या ये वाला काम करूं, मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, तो जो द्विधा की स्थिति होती है वास्तविक जीवन में, आपके सामने एक द्विधा की स्थिति है, और उस द्विधा में आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, तो ये सपना इस ओर इशारा करता है। अगली सिचुएशन है सपने में पुराने घर का जलना। आप देख रहे हैं कि कोई पुराना घर है और वो जल गया है, कोई झोपड़ी है उसमें आग लग गई है या पुराना घर जल गया है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। इस सपने का अर्थ होता है कि या तो आपके घर में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, आपकी स्वयं की बीमारी ठीक हो सकती है, बच्चों की बीमारी ठीक हो सकती है, या आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई बुरी आदत है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो शराब की हो, चाहे कोई भी बुरी आदत हो, तो उस आदत से भी आपको निकट भविष्य में छुटकारा मिल सकता है। जो प्रयास आप कर रहे हैं वो उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी, तो ये सपना भी अच्छा सपना माना जाता है।
दोस्तों अगली सिचुएशन है सपने में तहखाना देखना। यदि आप देखते हैं कि कोई मकान है और आप उस मकान के अंदर ही घुसते जा रहे हैं पुराने मकान में और आप बिल्कुल तहखाने में पहुंच गए हैं, कुछ ऐसा सपना आपको दिखाई देता है, तो दोस्तों ये सपना भी अच्छा सपना है और ये सपना बताता है कि आपको वास्तविक जीवन में अचानक से या तो धन की प्राप्ति हो सकती है या आपको अचानक से बहुत बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, यानी अचानक से आपको कुछ उपलब्धि मिलेगी यदि आप सपने में तहखाना देखते हैं। तो ये सपना वास्तविक जीवन में अचानक से किसी भी चीज के मिलने की ओर इशारा करता है। दोस्तों अगली स्थिति है सपने में छत देखना। यदि आप देखते हैं कि कोई मकान है और आप उसकी छत को देख रहे हैं, आप छत पर खड़े हैं, छत को देख रहे हैं या नीचे से आप छत को देख रहे हैं, तो यह बताता है कि आप वास्तविक जीवन में आप किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं और उस क्षेत्र में जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं वास्तविक जीवन में, और आप उन वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनसे आप पार पाने की कोशिश कर रहे हैं वास्तविक जीवन में, तो ये सपना उस ओर इशारा करता है। यानी इस सपने को हम नो गुड नो बैड की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना इसे हम अच्छा सपना मान सकते हैं ना ही बुरा मान सकते हैं, क्योंकि ये बताता है कि वास्तविक जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं और जो भी संघर्ष कर रहे हैं आपके सामने अनेक समस्या आ रही है, आपको उन समस्याओं से पार पाना है। अगली स्थिति है सपने में बालकनी देखना। दोस्तों अगर आप देखते हैं सपने में कि आप सपने में बालकनी में खड़े हैं या आप बालकनी को देख रहे हैं या आप कहीं दूर खड़े हैं और दूर से आप बालकनी देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं या आपका मान सम्मान निकट भविष्य में बढ़ने वाला है, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको बताए सपने में पुराना मकान देखने के कुछ शुभ और अशुभ जो प्रभाव थे वो हमने आपको बताए हैं। दोस्तों यदि कोई सिचुएशन हमारे से मिस हो गई हो, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारे से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी आपने सपना देखा हो उसका हम जवाब आपको बिल्कुल सही सही आपको दे दें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।